इस खबर के प्रायोजक है श्रीजी इवेंट्स एंड डेकोरेटर्स। मुजफ्फरनगर के इंडस्ट्रीज इलाके में शुक्रवार दोपहर एक स्टील प्लांट के स्क्रैप गोदाम में भयंकर आग लगने के कारण फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने घंटों की मुशक्कत के बाद देखा पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के इंडस्ट्रीज इलाके में यूपी स्टील प्लांट के स्क्रैप में दोपहर आग लग गई और देखते ही देखते आग विकराल हो गई। तेज हवा के चलने के साथ साथ आग देखते ही देखते गोदाम में रखे स्क्रैप में फैलती चली गई। फैक्ट्री में लगी आग की सूचना पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया। बताया जाता है कि स्क्रैप में आग लगने से लाखों के नुकसान की बात सामने आ रही है। नेताजी यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ड्यूटी पे नहीं हो? यूपी स्टील में आपकी सूचना मिलते ही फायर सर्विस की दो यूनिट घटनास्थल के लिए प्रस्थान हुई तथा मौके पर जाकर देखा तो आग भयंकर स्थिति में थी, जिसको फायर सर्विस ने कड़ी मशक्कत से कंट्रोल किया तथा उस अग्नि दुर्घटना स्थल के बगल में जो 220 केवी बिजली घर की दीवार मिली हुई थी उसको भारी क्षति से होने से बचा लिया गया, जिससे कि पूरे जनपद क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सप्लाई बाधित हो जाती और भारी नुकसान होने से उसको बचाया गया। सर, किसी तरह का जान माल का नुकसान? अग्निकांड में किसी तरह का जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस थोड़ा जो स्क्रैप था उसी का ही नुकसान हुआ है, बाकी जो भारी नुकसान था बिजली घर का उसको होने से बचा लिया गया। आग लगने का कारण पता चल पाया सर? आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट, जो बिजली की लाइन गई हुई थी उसकी वजह से ही अग्नि दुर्घटना हुई है। सर, कितनी गाड़ियों ने मौके पर जाकर जो है आग पर काबू पाया? फायर सर्विस की दो यूनिट दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को कंट्रोल किया। लगभग कितने समय में आग पर काबू पाया? लगभग एक घंटे बाद जो है आपको पूर्ण काबू पा लिया गया। ठीक।